नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। सीएम योगी आज शाम 7 बजे लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। दौरान पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बुलाई गई केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि वो डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान का सही तरीके और सख्ती से जवाब दें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि G20 अध्यक्षता सही समय में सही देश के पास है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में कई वैश्विक चुनौतियों के बीच पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को इस तरह का नेतृत्व करते हुए देखना अद्भुत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने बुधवार को ये कहते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया कि पार्टी ने नेताजी के नजरिए को प्रचारित करने के अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए हैं। बता दें कि चंद्र बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2 बार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। माफिया मुख्तार अंसारी के विशेष न्यायाधीश दिनेश चौरसिया की अदालत में 3 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल में हत्या की आशंका जताते हुए कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। टीएमसी केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालेगी, इसकी जानकारी टीएमसी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर दी है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी 2 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एशिया कप 2023 में अभी तक पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पाकिस्तान के गेंदबाज टॉप पर रहे हैं। रन बनाने के मामले में भी पाक टीम के खिलाड़ी टॉप में शामिल है। लखनऊ में देर रात बारिश हुई है और आज भी राहत की संभावना है। बुधवार को बूंदाबांदी के बाद लोग उमस से परेशान दिखे। मौसम विभाग के अनुसार दिन रात का पारा सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक रहेगा और अगले 24 घंटे बादलों की आवाजाही रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही है, खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।